हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मैं लेके आई हूँ ममा अर्थ उपटन फेशियल किट विथ सैफ्रन एंड टर्मरिक। तो ये ग्लोइंग स्किन के लिए है और ये 6 स्टेप्स हैं और सिंगल यूज़ किट है। बट मैंने तो क्या किया, मैं 2 बार इसे यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। तो ये है पहला स्टेप, जो कि है उपटन क्लेंजिंग मिल्क। इसे आपको 1 से 2 मिनट मसाज करना है और जेंटली आपको इसे वाइप कर देना है, या तो क्लेंजिंग पैड से जो मेरे पास है, और या फिर आप इसे वॉश भी कर सकते हो। सो, इसका प्राइस जो है वो 399 है, जो कि अमेज़ॉन पे 370 मैंने अभी चेक किया था। अगर आपको लेना है तो मैं इसका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। और इसकी जो एक्सपायरी है ना गाइज, वो 24 मंथ की है, तो 2 साल की एक्सपायरी है, ये आप आराम से रख सकते हो। सो, वन टाइम यूज़ होती है अगर आप तरीके से करो, बट मैं 2 बार करूँगी इसमें, प्रोडक्ट थोड़ा यूज़ करूँगी। तो सेकेंड जो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है फेस स्क्रब। और गाइज ये ना बहुत अच्छा काम करता है, आपकी डेड स्किन को हटा देता है, प्लस आपके जो पोर्स होते हैं उसमें जो गंदगी होती है उसको भी निकाल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसको 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाओ और ना मसाज करते जाओ, बहुत इजी आपके स्किन पर ब्लेंड हो जाती है ये स्क्रब। तो ये करने के बाद इसको या तो आप वॉश कर सकते हो या फिर क्लिनजिंग पैड से आप वाइप कर सकते हो। तो मेरे पास क्लिनजिंग पैड था, और गाइज ये क्लिनजिंग जो पैड है इसका भी मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ये भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इससे मैंने अपने जो स्क्रब को था वो क्लीन कर दिया था। तो ये सेकंड स्टेप है। और गाइज ये जो प्रोडक्ट है ममा अर्थ का, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप चाहो तो ना पार्लर में भी जाके करा सकते हो, आप ये किट अपने पास रख लो, और कभी भी आपको फेशियल कराना हो ना तो यही फेशियल से आप पार्लर में जाओ और यही फेशियल मतलब करवाओ। देन थर्ड स्टेप है ये सूदिंग जेल, और इसको भी 1 से 2 मिनट तक तब तक मसाज करनी है जेंटली, जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये इससे ना क्या होता है, शाइन आ जाती है आपकी, क्योंकि ये जो जेल है ना ये शाइन का काम करता है। और थर्ड स्टेप के बाद ही ना मेरी जो स्किन थी ना वो बहुत ही प्यारी हो गई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी अपनी स्किन। तो थर्ड स्टेप ये है, इसको आपको हल्के से मसाज करनी है। देन उसके बाद जो हमारा 4th स्टेप आएगा, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी क्रीम तो जेल, देन उसके बाद हमें 4th स्टेप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे स्क्रब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही हमारा ये है उपटन मसाज क्रीम। इसको भी आपको लेना है, मैंने अच्छी सारी क्वांटिटी में मसाज क्रीम ली है और इसको भी मैंने मसाज किया है। तो गाइज मेरा जो चेहरा है ना अभी उतना जैसे होता है ना कि भी ढलक गया है ऐसे नहीं है, मतलब अभी टाइटनिंग है मेरे फेस पे, तो मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ फेशियल, मैं सिर्फ क्लीनअप कराती हूँ, जैसे पार्लर्स वगैरह जाती हूँ तो क्लीनअप कराती हूँ, मैं फेशियल बहुत कम करती हूँ। तो साल में 2 या 3 बार ही मैं फेशियल करती हूँ, वो भी खुद ही कर लेती हूँ। तो क्लीनअप से क्या होता है, मेरे जो ब्लैकहेड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये आपको 5 से 10 मिनट तक फेशियल करना है, जो मेन प्रोसेस है वो 5 से 10 मिनट तक है। तो इसको भी जेंटली वाइप ऑफ करना है, या फिर क्लोथ से जैसे, या फिर आप वॉश कर सकते हो, बट इसको वाइप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर्कुलर मोशन में करना है ये, और अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आपको करना है ये। तो इससे क्या होता है, स्किन टाइट भी हो जाती है, और मेनली मेरे को अपना चेहरा चमकाना था, शाइन करना था, क्योंकि इसका एक जो पर्पज़ है वो फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए ये। तो ये मैंने 4th स्टेप जब कर लिया था अच्छे से, उसके बाद मैंने एक्चुअली मैं ना बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी, तो इसको मैंने पोंछ लिया है क्लिनजिंग पैड से। उसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ 5th स्टेप है उपटन फेस मास्क, और ये इसमें जो लिखा है एक जेनरस लेयर लेनी है आपको, और 15 मिनट तक आपको इसे यूज़ करना है, मतलब आपको काम में लग जाओ अपने, तो 15 मिनट तक इसे लगाना है और इसको वॉश करना है वाटर से। तो मैंने इसको जैसे क्रीम लगाते हैं ना फेस पे, ऐसे लगा लिया था। बहुत ही सॉफ्ट है ये पैक जो है इसका मास्क, तो इसको क्ले मास्क है ये, तो आप इसे लगा सकते हो ऐसे।
15 मिनट तक यूज़ करने के बाद जब ये सूख जाएगा तो आप इसको वॉश कर लेना। पहले मैंने एक्चुअली इससे क्लिनजिंग पैड से वाइप किया था, बट ये उतरा नहीं तो मैंने वॉश कर लिया था इसे। तो इसे वॉश ही करना है क्योंकि इसमें क्लिनजिंग पैड का कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो आप इसे वॉश कर लेना। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ओपन ग्लो क्रीम, जो ये लास्ट स्टेप है। तो इसको फिंगर टिप से जेंटली मसाज करनी है अपने फेस पे, गले पे। तो यार बेबी स्किन हो गई है मेरी और ग्लो भी बहुत अच्छा है, और फेशियल की खासियत ये होती है कि 2-3 दिन बाद तक ग्लो आता है, तो बहुत ही अमेजिंग था।